नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कोविड-19 को हराने में यानी कि हमें बचाने में कैसे मदद करेगा नीम का पत्ता। जी हाँ, नीम का कैसे इस्तेमाल करके कोविड-19 से काफ़ी हद तक बच सकते हैं हम सभी। पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम सभी। कैसे कर सकते हैं ये समझ लेंगे इस वीडियो में। क्या करना है, बार बार हाथ धोना है साबुन से। क्यों धोना है, क्योंकि जो कीटाणु है, जो इसका वायरस है, वो हाथ में अगर आ भी जाता है तो उसको मारा जा सके। इसीलिए बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। लेकिन सैनिटाइजर आपके पास नहीं है तो क्या करें ऐसी कंडीशन में। अगर गांव में है, रूरल एरियाज में है, सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहा है तो साबुन से कोशिश कीजिए हाथ धोइए। लेकिन अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ऐसे में हमें बढ़ाना है। पहले तो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसका पालन करना ही है, जैसे कि हाथ धोना है। जी हाँ, हाथ धोना है। इसके अलावा मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। घर में भी कोशिश करना है जब तक ज़रूरी ना हो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संपर्क में ना रहें। इसके अलावा संपर्क में रहें, दिलों की मिठास रहनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए, लेकिन जो संपर्क है शारीरिक रूप से उसको अवॉइड ही किया जाए तो खासतौर पर बेहतर रहेगा। खासतौर पर उन लोगों को जो घर से बाहर निकलते हैं ज़रूरी सामान को लाने के लिए। हर फैमिली में एक बंदा ऐसा होगा जो कि घर के लिए ज़रूरी सामान लाता होगा, तो कोशिश कीजिए कि उनको थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि बच्चों को, बुजुर्ग को हो गया तो खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि जान जा सकती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि उनसे डिस्टेंस रखा जाए, अगर इस लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खास करके बच्चों को दूर रखा जाए, बात करते वक्त भी या सामान को इस्तेमाल करते वक्त भी टॉवेल सबका अपना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं हम सभी नीम का कैसे इस्तेमाल करें। तो नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए। उबालने के बाद जो पानी होगा उससे आप हाथों को सैनिटाइजर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बैक्टीरिया मरते हैं, बैक्टीरिया का चांस जो कम होगा हाथ पर आपके। या नहाने के पानी में भी आप 5 से 10 बूंद उसको डाल दीजिए, या फिर आप एक कप डाल दीजिए और स्नान कर लीजिए, आपके शरीर पर बेहतर रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बचने के लिए है, ना कि इलाज है। ये इलाज बिल्कुल भी नहीं है कोविड-19 का, यानी कि कोरोना का। ये सिर्फ बचाव का तरीका है। इसके अलावा क्या करना है, एक्सरसाइज प्राणायाम के साथ साथ इस नीम के काढ़े का सुबह सुबह सेवन कर लीजिए। और आप चाहें तो 1 से 2 दिन गैप करके भी कर सकते हैं, अगर आप स्वस्थ इंसान हैं तो थोड़ा सा, यानी 2 नीम की पत्तियाँ सुबह सुबह चबा करके खा लीजिए। क्यों, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर से बैक्टीरिया को दूर रखता है और किसी भी प्रकार के वायरस के हमले से बचाएगा, ये उसका प्रयास रहेगा। अब आपका शरीर बहुत कमज़ोर है तो भी आपके ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे कि कम चांस होगा। और पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सबसे पहले तो अपने आसपास आने ही नहीं देना है। लेकिन जैसा माहौल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इन बातों का ध्यान भी रखना है कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहना है, और वो इसी प्रकार से हम सभी बढ़ा सकते हैं। जो भी खा पी रहे हैं वो अच्छे से खाइए पीजिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ध्यान जरूर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी समय का भी अभाव नहीं है तो आप 1/2 से 1 घंटा प्राणायाम जरूर कीजिए, श्वसन जरूर कीजिए। इसमें श्वसन का बहुत महत्व है, फेफड़ों को मजबूत करना है। जितना आप घर में एक्सरसाइज कर सकें जरूर कीजिए। इसके अलावा आप सेवन कीजिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों का, सब्जियों का, लेकिन बिना धोए नहीं। बाहर से सब्जी वगैरह लाएं तो कम से कम उनको बाहर छोड़ दें 3 दिन के लिए। कोशिश करें अगर उसी समय इस्तेमाल करना है तो गर्म पानी से धोएं फल हों या सब्जी, इसके बाद उसका इस्तेमाल करें, खतरा कम हो जाएगा। नहीं तो हमें पता नहीं है कि किसके माध्यम से हमारे घर में आ जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, और एक बात का ध्यान रखें कि प्लीज़ आप सभी सहयोग करें इस मिशन में। आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको एक सटीक जानकारी मिले, सही जानकारी मिले। अफवाहों से बच करके रहें, बहुत बेहतर रहेगा। आज की ये वीडियो रही, ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।